आज हम बात करेंगे बवासीर अर्थात पाइल्स, इंग्लिश में हिमोरॉइड्स बोला जाता है, उनके लक्षण के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार जैन है। मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में फुल टाइम सीनियर कंसल्टेंट जनरल लैप्रोस्कोपी एंड रेक्टल सर्जरी में 25 साल से ज़्यादा से कार्यरत हूँ। मैं एक्सक्लूसिवली पाइल्स क्लिनिक अर्थात जिसमें बवासीर इत्यादि का इलाज होता है एक्सक्लूसिवली मैं रन करता हूँ। बवासीर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, मेडिकल टर्म में हेमोरॉइड्स बोल देते हैं और साधारण जनता पाइल्स के नाम से जानती है। पाइल्स के सबसे कॉमन लक्षण हैं फ्रेश अर्थात बिल्कुल लाल रक्त रेक्टम से जाना टॉयलेट करते समय। कुछ मरीज आते हैं उनको एनस में खाज अर्थात एनल इचिंग बोलते हैं, कुछ एनल डिस्चार्ज की बात करते हैं, लेकिन पाइल्स का ट्रीटमेंट का सवाल उसी समय उठता है जब मरीज ब्लड लॉस करता है। बवासीर जिसका नाम पड़ा है, ये रेक्टम में 3 वेंस होती है, वो फूल जाती है और टॉर्शस हो जाती है, और जब पेशेंट टॉयलेट जाता है तो वहाँ से फ्रेश ब्लड जाता है। अगर हम मेडिकल टर्म में क्लासिफिकेशन की बातें करें तो ये 1 डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, इस तरह से इनको डिवाइड किया जाता है। अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं इस बीमारी के बारे में या किसी भी अन्य सर्जिकल बीमारी के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं चेष्टा करूंगा, मैं तुरंत आपका जवाब दूं और वीडियो द्वारा प्रस्तुत हूँ।